हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्ड्स कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले करते हैं हमारे लाइफ में. हम जो पूरा दिन वर्ड्स बात करते हैं और वो ही हमारी रियलिटी बनती जाती है. इसलिए कहते हैं कि चेंज योर वर्ड्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड. जिस तरह से हमारे थॉट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह से हम जो वर्ड्स बात करते हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. क्या आपको ये बात पता है कि 95% ऑफ द टाइम हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में रहते हैं. पूरा दिन हमारे जो इंटरनल डायलॉग चलता है हमारे अंदर, वो एक नेगेटिव रहता है. और जब हम अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों के ऊपर निकालते रहते हैं नेगेटिव वर्ड्स बात करके, तो हम एक लो एनर्जी एमिट करते हैं अपने अंदर से. हमारे अंदर से लो एनर्जी निकलती है वर्ड्स के फॉर्म में, और जिसके वजह से वो नेगेटिव इमोशंस पास ऑन होते हैं दूसरों तक, और फिर हमारी रियलिटी में हमें नेगेटिविटी ही मिलती है हर तरह से. आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर हम जो नेगेटिव वर्ड्स बात करते हैं उसकी वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. हम लोग सामने वाले इंसान को ट्रिगर कर लेते हैं, और जिसके वजह से कुछ ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं और सिचुएशंस हमारे लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं जिन्हें हमें सुलझाने में पूरी लाइफ लग जाती है. और कई बार तो कुछ ऐसे ग्रजेस आ जाते हैं किसी के लिए जो हम ठीक नहीं कर पाते हैं. तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसी से हमारे थॉट्स और फीलिंग्स का पता चलता है. हम जो वर्ड्स बात करते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह से थॉट्स और फीलिंग्स हमारे अंदर चल रहे हैं. तो अगर हम ये ध्यान देंगे कि हम दिन में किस तरह से वर्ड्स बात कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं. हमारी हम अपने लाइफ में सारी सिचुएशंस को बदल सकते हैं. तो एक चीज़ बहुत आसान है, वो हम कर सकते हैं कि जब भी हम कुछ बोले वर्ड्स, तो एक मिनट लेकर पहले हमें उसे उन चीज़ों को सोचना चाहिए कि इस वक्त हमारे थॉट पैटर्न्स किस तरह से चल रहे हैं. कभी भी किसी वक्त भी रिएक्ट करने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से हमारे थॉट्स चल रहे हैं, और इस सिचुएशन को इस तरह से रिएक्ट करना ठीक है. और जितना हो सके हम अपने थॉट्स पॉजिटिव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्ड्स पॉजिटिव ही निकलेंगे. तो हम छोटी सी चीज़ें चालू कर सकते हैं अपने रियलिटी में, अपने लाइफ में, कि हमें ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. पूरा दिन हमें एक बुक में अपने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स लिखना है. एक कॉलम बनाना है जिसमें हम अपने सारे नेगेटिव थॉट्स लिखते हैं, और एक कॉलम में हमें वो पॉजिटिव थॉट्स अपने लिखने हैं. तो हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि हम पूरा दिन कितना नेगेटिव सेल्फ टॉक में अपना स्पेंड करते हैं टाइम, और कितना पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव सेल्फ टॉक में अपना टाइम स्पेंड करते हैं. फिर हम दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना चालू करें अपने लाइफ में. जैसे ही हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना चालू करेंगे, तो हम सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल्स देंगे, पॉजिटिव सिग्नल्स भेजेंगे, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बार बार रिपीट करने से ऑटोमेटिकली एक तरह का प्योरिटी होता जाएगा. और अल्टीमेटली हम जब भी बात करेंगे तो पॉजिटिव ही बात करेंगे. तो ये हम काम कर सकते हैं. जो चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जिससे एक प्रॉब्लम आ रही है, उससे हम सॉल्यूशन की ओर चले जाते हैं वो प्रॉब्लम से निकलकर, और हम सॉल्यूशंस देखने लगते हैं उन चीज़ों का. तो ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स का जो नेगेटिव और लो एनर्जी एमिट कर रहे हैं, उससे हम ऑटोमेटिकली हाई एनर्जी में चले जाते हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस है आप रेगुलरली बोलना चालू कर सकते हैं, स्टार्ट करना है. तो कुछ ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस है जैसे, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी इन माई बॉडी. या अगर आपको कोई फाइनेंशियल ब्लॉक्स है जिससे आप फेस कर रहे हो, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, तो फाइनेंस के लिए आप बोल सकते हो कि वेल्थ इज़ पोरिंग इंटू माई लाइफ फ्रॉम ऑल साइड्स. आई एम फुल ऑफ प्रॉस्पैरिटी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्यूटिफुल. सेल्फ लव एक है जो बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम अपने आप को सेल्फ लव नहीं रखेंगे, तो हम
सामने वाले इंसान से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमें कोई सामने वाला इंसान आके लव करे, तो सेल्फ लव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्यूटिफुल, ये सब पॉजिटिव एफर्मेशंस से आप चालू कर सकते हैं. तो जैसे जैसे आपका जो सेल्फ टॉक है, जो इंटरनल डायलॉग आप दिन में बोलते हैं, वो पॉजिटिव में चेंज होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सिग्नल्स जाएंगे और आपके वर्ड्स भी पॉजिटिव होते जाएंगे. तो ये छोटी मोटी बातें थी जो हम अपनी लाइफ में चेंजेस करके हम अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, कमेंट कर सकते हैं. और इस तरह के वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, नमस्ते.